सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिशु डिग्रा ब्लॉग्स। गाइस क्या हाल चाल है आप सबका, उम्मीद करता हूँ भाई आप भी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम कोई ब्लॉग मतलब राइड वगैरह पे नहीं जा रहे, आज मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाऊंगा जो कि आपको पीछे दिख रही होगी। गाइस तो आज हम अपनी NS को भाई एक अलग ही प्रकार का समझ लो कि मॉडिफाइड कर रहे हैं भाई। तो वो चीज़ मैं काफ़ी दिनों से भाई वेट कर रहा था, बट भाई वो चीज़ मेरे को मिल नहीं रही थी। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद भाई वो चीज़ मिली है मेरे को। तो अभी हम अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये देखो, ये अपनी बाइक है भाई 125 NS। तो गाइस इसमें हम आज ना कुछ अलग प्रकार की भाई मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं जो कि आज तक मैंने यूट्यूब पे किसी बंदे ने नहीं देखी भाई जो की हो। तो वो NS 160 पे की है भाई, बट हम भाई इस पे करेंगे अपनी बाइक पे। तो ये देखो भाई, ये अपना भाई जो कंपनी फिटेड अलॉय आता है और ड्रम ब्रेक के साथ आता है भाई। और ये देखो भाई, मैंने ना 140 सेक्शन का टायर डाला हुआ है इसको, बट गाइस इसकी आपको ये देखो भाई ब्रेथ कम है यार, तो उसकी वजह से भाई अच्छी नहीं लगती भाई, ठीक है ना। तो आज हम ना इसको बिल्कुल चेंज कर देंगे भाई, सारा कुछ चेंज कर देंगे इसका भाई, इसका स्विंग आर्म से लेके भाई अलॉय तक। तो गाइस वो देखो, मैंने भाई काफ़ी दिनों बाद भाई क्या बोलूँ मैं, कि मैंने ना काफ़ी टाइम से भाई वेट कर रहा था कि कब मेरे को सामान मिले सामान मिले। तो देख लो भाई, मिल चुका है भाई सामान। तो यार बड़ा वेट किया भाई मैंने, बहुत ढूंढा, बट चलो अभी मिला है हमें। तो ये देखो भाई, ये है अपनी NS 200 का अलॉय, ठीक है, देख रहे हो भाई, बिल्कुल फ्रेश अलॉय है, मैंने बंदे से लिया काफ़ी। तो ये अपने NS 200 का स्प्रॉकेट जिस पे चैन चढ़ती है। तो बाकी ये देखो भाई, ये है स्विंग आर्म NS 200 का। तो आज हम इसको मॉडिफाइड करेंगे गाइस, जो कि कन्वर्ट होगी भाई NS 200 में। तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा पीछे से कि NS 125 है या 200 है। तो बस वहीं से स्टार्ट करते हैं, देन इसको खोलने का काम करते हैं भाई। पहले इसको हम खोल लेते हैं भाई अच्छे से, ताकि फिटिंग अच्छे से हो जाए। तो अभी हम इसको खोलने लगे हैं, तो मॉडिफिकेशन मैं घर पे ही करूँगा भाई, कोई भी बाहर से नहीं। तो गाइस अब ना जब भी हम मतलब इस पे जैसे ही अब हम ये वाला स्विंग आर्म लगाएंगे, देन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गाइस हम पीछे भी भाई डिस्क लगा देंगे इसकी, ठीक है ना, ताकि भाई हमें कोई भी परेशानी ना हो। और भाई ये NS 125 होगी जो कि डबल डिस्क ब्रेक के साथ आती है, ठीक है। तो हम इसको अलग ही प्रकार का मॉडिफाइड करने जा रहे हैं। तो भाई ये देख लो, ये अपनी RS है गाइस, इसकी तरह भाई टायर हो जाएगा और इसकी तरह भाई टायर में मोटापा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई इस मॉडिफिकेशन, तो मिलते हैं आपको गाइस सीधा आगे जाके, ठीक है। सो फाइनली गाइस भाई अपना भाई देखो आम भाई उतर चुका है भाई। तो देख लो भाई, ये अपनी NS 125 का और भाई ये अपनी RS 200 का। तो गाइस इनमें तो कोई ज़्यादा सिमिलर मतलब कुछ वो नहीं है मतलब डिफरेंस, बट भाई ये देखो भाई इसमें भाई बहुत डिफरेंट है यार, क्योंकि यार देखो इस ये चीज़ देखो कितनी पतली है, इसकी भाई कितनी मोटी है और इसकी देखो कितनी पतली है। तो गाइस हम इसी को चेंज करेंगे अभी, देन ये अब RS में लगाएंगे भाई। तो क्या बोलते हैं उसको भाई NS में अपने फिट करेंगे ये वाला, तो फिट कर लेते हैं पहले गाइस। बाकी देख लो भाई, कोई भी मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ भाई इसका वो है पतला है और ये भाई मोटा है, तो देख लो भाई यही फ़र्क है। तो अभी फटाफट से भाई फिट करते हैं इसमें, तो फिर आपको दिखाते हैं भाई। ये देख लो अपनी NS की भाई, सारा कुछ भाई इस टाइम पे खुला हुआ है सारा भाई NS का। तो इन सारे पार्ट्स को भाई हम एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं, ताकि भाई कोई भी चीज़ घूम वगैरह ना हो, तो ठीक है भाई। तो ये देख लो भाई, ये अपनी NS है भाई। तो अभी हम ये वाला इस पर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल करके फिर आपके साथ मिलते हैं।